अरे उतरने देना। अर्चना जी उतर जाए, बहुत वेट करवा दिया आपने। बहुत Oh my God, रोजेस यार वो मत दे भाई, तेरे से कोई नहीं देना ना यार। अर्चना जी अच्छा लगा आपको देख के, बिग बॉस अच्छा आप फेवरेट थे बिग बॉस में। मोर मोर बना दो हमको, मोर बना दिया था आपने। इसको इसको विशाल विशाल इसका मोर पसंद है। यहाँ पे फेमस है बहुत। कुछ भी नहीं, ऐसे मत बोलो। नहीं नहीं मतलब आज जो भी आपका दिल हो। ओके हाय अर्चना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेल हम एंटरटेनमेंट क्वीन को आज मिल रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, बाहर आने के बाद कितना कुछ बदलाव देखा है? बहुत कुछ बदलाव देखा है और लाइफ ना चेंज सी होगी। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, तो मेरे साथ ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मेरे साथ भी और मेरे भाई और मेरी मम्मी के साथ भी। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब आदत सी नहीं है ना, जैसे एकदम से सब लोग आ जाते हैं और मतलब अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लग रहा है। You know, अर्चना अभी भी कितने फैंस लाइक ऐसा ऑल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऐसा लग रहा है कि अर्चना को सोचा था जीतना लेकिन कुछ और हो गया, क्या कहना चाहोगे? नहीं पता क्या है, क्या होता है ये गेम है और ये वो है। तो मुझे देखो, मुझे जो लगता है कि मैं इतनी दूर की जर्नी करके बिना किसी सपोर्ट के, बिना मतलब मैंने कोई सीरियल नहीं किया, मैंने कोई मूवी नहीं की, कुछ नहीं किया, मैं टॉप 4 तक आए, तो मुझे लगता है कि ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है मेरे लिए इतना भी बहुत है। सबसे बेस्ट बॉन्डिंग किसके साथ? प्रियंका के साथ, सौंदर्य के साथ। मंडली की अगर बात करें तो? मंडली में अब्दू, साजिद जी और निमृत, सुम्बुल, शिव, स्टैन। हाँ थोड़ा सा स्टैन के साथ था खटपट, बट ठीक है अभी सब ठीक हो गया। लेकिन अर्चना पता है फिर भी हमने जब आपके फिल्म से बाहर निमृत से भी बात की, तो हमने बोला कि आपके दोस्त आपको बहुत बार पिनपॉइंट करते थे। हाँ उनका कहना था ये हमारे फ्रेंड्स नहीं है, कलीग है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगी जब आपकी फ्रेंड्स आपके लिए ऐसे कह रहे हैं? देखो पता क्या था, मैंने अपनी दोस्ती निभाई और मैं अभी तक निभा रही हूँ। मतलब जो जो चीज़ें मैंने वहाँ बोली कि सौंदर्य मेरी बाहर भी दोस्त रहेगी, आज वो मेरी दोस्त है, प्रियंका मेरी बाहर दोस्त रहेगी वो भी दोस्त है, और मैं इनसे बात करूँगी इनसे नहीं बात करूँगी, मैंने अपनी दोस्ती दिल से निभाई। जिसके साथ मैं थी वो दिल से थी। छोटी मोटी जैसे पराठे वराठे ये चीज़ें मुझे हर्ट होती थी क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों पर हर्ट होती थी, बट मैंने अभी बाहर आके देखा तो मुझे लगता है कि शायद ये छोटी छोटी बातें इतनी मायने नहीं रखती। जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, भले आप खाने के लिए इतना लड़ती थी, आप हाँ सभी इतना भिड़ते थे जी, लेकिन टीना ने बहुत सी चीज़ें छुपाई थी जो अब तक भी लोगों को मिली नहीं थी पता नहीं चला इस पे तो, लेकिन किसी ने मुद्दा नहीं उठाया क्यों? लेकिन क्योंकि नहीं, क्योंकि एक्चुअली ना मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि मतलब कि कुछ छुपाया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि टीना की वो जो चीज़ें थी ना वो भी बहुत क्यूट चीज़ें थी, क्योंकि यार घर है, आप घर में ये थोड़ा ना देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। वो जो वो करती थी उसमें भी उसका एक मतलब एक क्यूट पना होता ना, मुझे अच्छा लगता था कि उसकी चॉकलेट रखना, और मतलब खाती भी थी और खिलाती भी थी, तो अच्छा लगता था मुझे। देखो अभी तो कुछ बता नहीं सकती मैं, बट हाँ ये कि टीवी सीरियल में मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं करना। मुझे लगता है कि जो एक साल में टीवी सीरियल में दूंगी वो एक साल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दूँ जनता को हंसाने के लिए, तो मे भी मैं चाहती हूँ कि कुछ
ऐसा शो हो जिसमें मैं हंसाऊं, लाइक कपिल शर्मा शो, लाइक मतलब ऐसा बोल नहीं सकती, कुछ ऐसा मिल जाए तो मजा आ जाए, तो या फिर कोई मूवी जिसमें मैं मतलब कोई ऐसे फनी मूवी मिले कि मैं जा रही हूँ अमेरिका अंग्रेजी सीखने और वहाँ मुझे अंग्रेज मिल गया, उससे प्यार हो गया, कुछ ऐसा मतलब तड़कता भड़कता, तो ऐसा कुछ चाहती हूँ। मुझे किसी ने अभी तक नहीं दिया, 14 पे मैं घर में ही थी अपनी मम्मी के साथ वैलेंटाइन बना रही थी। मैं सभी दोस्तों से और सभी फैंस से मैं ये कहना चाहती हूँ, जितनी भी जनता है उन्होंने मुझे वोट किया, सपोर्ट किया, और आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हो ना, कसम से बता रही हूँ, मतलब मैं इतनी लाइफ में इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। एक क्वेश्चन है आपसे, हाँ हाँ, क्या आप मराठी बिग बॉस को कम समझती है क्या रीजी, मतलब हिंदी बिग बॉस से? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी, वो मैं इसलिए बोलती थी जो शिव था, देखो मैं तो वही नहीं वही मैं बोलने चाह रही हूँ कि देखिए जैसे कि मैं हूँ, मैंने सच बताऊँ मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा, थोड़ा सा ही देखा। अभी जो शिव है उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि वो मराठी बिग बॉस जीत के आया है, तो उसको पता है कि उसको कैसे 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 क्या करना है क्या नहीं करना है, उसने दिमाग का यूज़ किया, इसलिए वो टॉप टू में था। हाँ, टॉप टू में था। और रही बात मेरी, मैंने दिमाग का यूज़ ही नहीं किया, मैं बस जस्ट ऐसे जैसे घर में रह रही थी वैसे कर रही थी। और रही बात, मैं मराठी बिग बॉस को बिल्कुल भी कम नहीं समझती, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कनाडा बिग बॉस भी अच्छा है, तमिल बिग बॉस भी अच्छा है, सबकी जो वैल्यू है वो सबका अलग अलग है। बट शिव में एक प्लस पॉइंट ये था कि वो वहाँ से जीत के आया था, तो उसको पता है कि भैया क्या चीज़ें करनी है, उस चीज़ में मैं थोड़ा वीक पड़ गई होंगी जो मुझे लगता है। बस डायलॉग तो बोलते जाइए, क्या चल रहा है भैया, मारते मारते मोर बना दूंगी। अरे मेरा फजीता क्यों कर रहे भैया, मेरे अभी लूंगी गाड़ी, अभी जस्ट घर से निकली हूँ, समझ में नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी लूँ कौन सी नहीं लूँ, अभी धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक अपना ओला उबर है ना, BMW लूँ। चलो आपके मुंह में घी शक्कर, ठीक है, थैंक यू।